शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आज के दिन से। हॉल की बुकिंग जो कि मैंने अभी तक करवाई नहीं, क्योंकि ये पहले करवानी पड़ती है एडवांस में। अक्सर आपको क्या होता है कि जो आपके डेज होते हैं उनमें आपको बुकिंग मिलती नहीं है। फिर अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो वीडियो के टाइटल से तो आप जान चुके होंगे कि व्लॉग किस चीज पे। जी हाँ, शादी की तैयारियां और मेरी अपनी शादी। तो गाइस, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आज के दिन से। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी शादी हो तो शादी से पहले घर के कुछ काम होते हैं जिनको निपटाना होता है टाइम पर। अगर टाइम पे ना किया जाए तो एंड में बड़ी परेशानी होती है। तो आज का व्लॉग यही है, हमने वो सारे काम निकालने हैं, एक लिस्ट तैयार करनी है कौन कौन से काम है जो पेंडिंग में। और जबकि आपको बताऊं तो टाइम कितना रही है, तो ईद के फौरन बाद, जी हाँ, छोटी ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह शादी है। तो जबकि ईद से पहले आपको पता है रमजान होता है, और रमजान में तो आपको पता है इंसान कोई काम कर नहीं सकता, रूटीन इस तरह की होती है। तो हमारे पास दिन है गिनती के 27 से 28 दिन। तो ये टास्क हमने 27 से 28 दिनों में पूरा करना है, लेकिन काम बहुत सारे हैं। तो शुरुआत करते हैं घर के कामों में से। तो घर के काम सबसे पहले करने चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पहला काम पीछे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, आए आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये बेडरूम है, और ये बेडरूम के पीछे कबर्ड्स का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे अभी कबर्ड्स तैयार करवानी है, अलमारी तैयार करवानी है, तो यहाँ पे पूरी अभी अलमारी बननी है। सबसे पहला ये काम हो गया, सेकेंड घर के कामों में से दूसरा काम, आप वॉल्स देख रहे हैं, तो वॉल्स में एक मरतबा दोबारा यही कलर रिफ्रेश करवाना है, क्योंकि अगर कहीं से थोड़ा बहुत खराब है तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे काम की तरफ करके। ये आप देख रहे हैं, ये सीलिंग हुई हुई है, सीलिंग पे जो रोप लाइट्स लगती है इसके बॉर्डर पे, वो लगवानी है। ये हो गया घर का तीसरा काम। घर के कामों में से कुछ मजीद काम है, इस वक्त मैं ड्राइंग रूम में हूँ, तो ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं ऊपर जो सीलिंग हुई हुई है, तो ये सीलिंग के जो भाड़े है यहाँ पे हमने कुछ ऐसा कलर करवाना है कि जो के बाद में रूम के साथ एक कंट्रास्ट मारे। इसके अलावा ये जो SMD नजर आ रही है आपको, ये जो लाइट्स होती है LED लाइट्स, ये चारों इस वक्त खराब है। और सिर्फ यहीं की नहीं, अगर बालकनी एरिया की आपको दिखाऊं तो ये बालकनी एरिया है, इसकी भी चारों खराब हुई हुई है। और इसके अलावा अंदर जो हॉल एरिया था उसकी भी खराब है, तो ये 12 हमने SMD भी चेंज करवानी है। इसके अलावा यहाँ पे कर्टन्स हैं, ये कर्टन्स भी हमने न्यू लेने हैं, जो कि फुल हाइटेड होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक लगेंगे, और एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक होंगे, और वो भी ग्रे कलर के। तो ये काम है कुछ घर के, इसके अलावा मजीद काम है लेकिन वो बाहर के हैं। तो चलें लिस्ट तैयार। तो भाई इस वक्त मेरे हाथ में पेन और रजिस्टर है, हम बनाएंगे एक लिस्ट, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ हम भूले ना, हर एक चीज़ लिखी हुई हो। जैसे जैसे डे बाय डे वो चीज़ें होती जाएंगी उस पर हम टिक मारते जाएंगे, उसको मार्क करते जाएंगे, इस तरह हम इंशाल्लाह कोई भी काम भूलेंगे नहीं और हर एक चीज़ अपने टाइम पर होगी। तो भाई ये लिस्ट हमने तैयार कर ली है, 25 दिन का हमने टास्क रखा है, क्योंकि 27 या 28वें दिन पर रमजान शुरू है, तो हमने 25 दिन का टास्क रखा है। और ये पेंडिंग काम है जो कि हमने करवाने हैं। तो सबसे पहला काम है अलमारी बनवानी है, देन उसके बाद घर पे पेंट करवाना है, तीसरा रोप लाइट्स जो कि सीलिंग पे होगी, चौथा SMD लाइट्स जो कि खराब हुई हुई है, और इसके अलावा पांचवा ड्राइंग रूम के कर्टन्स जो पर्दे ड्राइंग रूम्स के चेंज करवाने हैं, और छठा काम टेलर को ड्रेस देने हैं, मेरे खुद के ड्रेस जैसे कि मेहंदी का है, निकाह का है, ये दो मैंने ड्रेस देने हैं सिलवाने के लिए। इसके अलावा सातवें पे आपकी भाभी के इवेंट्स वाले शूज़ लेना है। शॉपिंग तो सारी कंप्लीट हो चुकी है दोनों की, जस्ट शूज़ रह गए, तो वो शूज़ भी लेने हैं। और उसके अलावा आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हॉल की बुकिंग। तो भाई आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, हॉल की बुकिंग, क्योंकि आपको पता है हॉल की बुकिंग एडवांस में करवानी पड़ती है। अगर आप एंड के दिनों में जाते हैं तो आपको अक्सर बुकिंग मिलती नहीं है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ का मुझे उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब से हम पंजाब शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ का तो उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो आने वाले 1-2 दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, जो हॉल सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इवेंट्स के लिहाज से प्यारा लगेगा, तो इंशाल्लाह हम उसकी बुकिंग करवा लेंगे। और बाकी बात करेंगे आज के दिन पे कौन कौन से काम होने हैं। तो अभी हो गए तकरीबन 5:15, और यहाँ पे आपको पता है पंजाब में कोई भी काम हो वो सुबह सुबह किया जाता है, तो कोई भी वर्कर हो, कारीगर हो, वो सुबह सुबह ही आता है काम करने। तो अलमारी का काम हो, फिर घर पे पेंट का काम हो, कलर का, तो इंशाल्लाह कल सुबह सुबह इन दोनों कामों में से कोई एक काम हम स्टार्ट करवा लेंगे, चाहे वो पेंट वाले भाई आ जाए, चाहे वो अलमारी वाले भाई आ जाए। तो जिनसे बात बन गई, 2-3 जगह से एस्टिमेट लेंगे, जो अच्छे लगे, जो सही लगा बंदा, तो इंशाल्लाह उससे काम करवाएंगे। और बाकी बात करें अभी की, तो अभी तो उस तरह कोई काम हो नहीं सकता। हाँ, एक काम है, SMD कोशिश करेंगे कि अभी SMD सारी की सारी उतार ले, उतार के उसको बनवाने के लिए दे दूं, जितनी बन सकी तो ठीक है, जो ना बन सकी इंशाल्लाह फिर वो न्यू परचेस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के दिन कोई ना कोई एक काम तो लाजमी करें, क्योंकि 25 दिन का टास्क है और काम इतने आसान नहीं है, ये सब ये टाइम लेंगे ये काम। तो इंशाल्लाह हमने आज कोई ना कोई काम करना है, ताकि हमारे काम आहिस्ता आहिस्ता ये 25 दिन तक पूरे हो जाएं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई काम, कौन सा करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलें देखते हैं।